नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेन नाइन न्यूज़ और मैं हूं राशिद अली। क्या आपने न्यूज़ चैनल देखना बंद कर दिए हैं या आपको इंतज़ार है कि आखिर कब अब कौन सा पत्रकार आएगा जो ऐसी सच्ची खबरें दिखाएगा, या आपको अभी उन पत्रकारों का इंतज़ार है कि आखिर वो पत्रकार जो अपना कुछ एक शो लेकर आते हैं जिनमें आपको दिखाते हैं कि आखिर सरकार योजनाएँ चलाती है, तमाम योजनाएं करती है, उद्घाटन करती है, शिलान्यास करती है, विदेश यात्राएं करती हैं, लेकिन उनका क्या लाभ और कितना लाभ मिल रहा है और कितना उनसे नुकसान हो रहा है और इसका क्या असर, इसकी असल सच्चाई जो ज़मीनी हकीकत क्या है या वो बताती है। आपको अभी भी उनका इंतज़ार है, ऐसे पत्रकारों का इंतज़ार है, आपको इंतज़ार है कि आखिर अब अगला नंबर किसका है। जी हाँ, मैं बात करना चाहूँगा एबीपी में मास्टर स्ट्रोक चलाने वाले एंकर जो कि पुण्य प्रसून वाजपेयी, एक सीनियर रिपोर्टर हैं, सीनियर पत्रकार हैं, और उनका ये शो था और उन्हें कैसे एक खबर के बाद हटा दिया गया ये तो आप सब जानते ही होंगे। कई दिनों से मामला चल रहा है और हम अपने प्रोग्राम के ज़रिए भी आपको बताते हैं। क्या अब इस बात से इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आखिर अगला नंबर किसका हो सकता है? जाहिर सी बात है, जब एक खबर दिखाने पर, और वो भी कोई झूठी खबर नहीं बोल, वो भी असल सच्चाई दिखाने पर अगर किसी को ऐसे हटा दिया जाता है तो फिर आप कैसे भरोसा कर सकते हैं कि आपकी जो नौकरी चल रही है उस पर आपको नहीं हटाया जा सकता, या बाकी जो ऐसे एंकर दिखा रहे हैं उनको नहीं हटाया जा सकता। केवल वही एंकर बच सकते हैं जो गुणगान करें, जो योजनाएं दिखाएं, जो बताएं कि सरकार की योजनाओं से कितना लाभ हो रहा है, जो बताएं कि सरकार ने किसानों की कितनी अच्छी आय दोगुनी कर दी, जो बताएं कि किसानों की आय बेहतर हो गई है, किसानों की आय अच्छी हो गई है, उनकी हालत स्थिति अच्छी हो गई है। पीएम मोदी देश विदेश की यात्रा पर हैं लेकिन क्या लाभ मिल रहा है, बस ये कोई पूछने वाला ना हो। आय किसानों की आय अच्छी हुई है लेकिन कितनों की अच्छी हुई है, बस ये कोई पूछने वाला ना हो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है लेकिन कितनियों से रेप हो रहा है, बस ये कोई पूछने वाला ना हो। ज़मीनी हकीकत क्या है, बस ये कोई जानने वाला ना हो। गरीबी कितनी बढ़ रही है, बस ये कोई जानने वाला ना हो। महंगाई से कितने लोग मर रहे हैं, बस ये कोई जानने वाला ना हो। हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने का वादा किया था लेकिन कितनों को नौकरी मिल रही है, ये कोई जानने वाला ना हो। सरकार की मंशा शायद कुछ ऐसी ही है, अगर मैं गलत नहीं हूँ और अगर आप सही हो तो। जी हाँ, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अब पुण्य प्रसून वाजपेयी को पत्रकारों का साथ मिल गया है, जो कि पत्रकारों को पहले ही मिल जाना चाहिए। जी हाँ, एक पत्रकार जब आता है तो शायद पत्रकार इनकी जो बिरादरी है उनको सभी को इनके साथ आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, जिससे आपको पता चलता है कि आखिर पत्रकार भी कई कैटेगरीज के होते हैं। एक वो पत्रकार जो सरकार के खिलाफ पत्रकारिता करते हैं क्योंकि वही पत्रकारिता होती है, और जो सरकार की कमियों को दिखाए शायद पत्रकार भी उसी को कहते हैं, और दूसरे पत्रकार वो जो सरकार का गुणगान करते हैं, जैसा कि आप कई न्यूज़ चैनलों में देखते होंगे जो सारे दिन यही चलाते हैं। और इसी से सवाल एक पैदा होता है कि क्या आप कितने न्यूज़ चैनलों को देखते हैं, या आपने न्यूज़ चैनल बंद कर दिए हैं, या आपको इस बात का इंतज़ार है कि अब अगला नंबर कौन से एंकर का होगा, कौन से रिपोर्टर का होगा जिसे वहां से निकाल दिया जाएगा। जी हाँ, मैं अब सीधी बात करना चाहता हूं, दरअसल लेके चलता हूं आपको एक खबर पर, जहां पर खबर है कि पुण्य प्रसून वाजपेयी को पत्रकारों का साथ मिल गया है और सरकार से उन्होंने जवाब मांगा है। मैं सीधा दिखाना चाहता हूँ खबर आपको, पुण्य प्रसून वाजपेयी के समर्थन में आई पत्रकारों की यह संस्था, सरकार से मांगा जवाब। जी हाँ, पत्रकारों के संगठन फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल्स ने मंगलवार को सरकार से, मीडिया से सूचना और प्रसारण मंत्रालय की दखलंदाजी के आरोपों पर जवाब मांगा है। इससे पहले एबीपी न्यूज से इस्तीफा देने वाले पत्रकार पुण्य प्रसून वाजपेयी ने अपने लेख में कई खुलासे किए थे। एबीपी न्यूज चैनल के प्राइम टाइम एंकर रहे वाजपेयी ने 2 अगस्त को इस्तीफा दे दिया था। जी हाँ, उन्होंने दावा किया था कि चैनल ने उन्हें अपने शो मास्टर स्ट्रोक के दौरान सरकारी नीतियों की आलोचना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेने से बचने के लिए कहा था। वाजपेयी ने यह भी कहा कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में 200 सदस्य टीम समाचार चैनलों की सामग्री पर नजर रखती है। देख सकते हैं आपके सूचना एवं प्रसारण मंत्रालयों में 200 सदस्यों की टीम समाचारों पर नजर रखती है, समाचार चैनलों की सामग्री पर नजर रखती है कि कौन पत्रकार सरकार को ज्यादा घेर रहा है, कौन नहीं। फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल्स ने कहा कि जिस तरह वाजपेयी और चैनल के 2 अन्य पत्रकारों पर सरकार की नीतियों पर उनकी महत्वपूर्ण रिपोर्ट दिखाने के बाद एक्शन लिया गया, उसका असर पेशे में दूसरे लोगों पर पड़ सकता है। समूह ने कहा कि पुण्य प्रसून वाजपेयी, मिलिंद
खांडेकर और अभिसार शर्मा को हटाने के लिए एबीपी न्यूज के प्रबंधन पर दबाव डाला गया था। एबीपी न्यूज के जो कि प्रबंध संपादक से इस्तीफा देने वाले मिलिंद खांडेकर ने वाजपेयी से एक दिन पहले न्यूज चैनल से इस्तीफा दिया था, जबकि अभिसार शर्मा को छुट्टी पर जाने के लिए कहा था। उनके प्रस्थान से प्रेस स्वतंत्रता, मीडिया मालिकों की जवाबदेही और आलोचना के लिए सरकार के दृष्टिकोण के बारे में कई सवाल खड़े किए। बता दें कि 8 जुलाई को वाजपेयी के प्राइम टाइम शो में मास्टर स्ट्रोक छत्तीसगढ़ की उस महिला की स्टोरी दिखाई गई थी, जिसमें उसने पीएम मोदी के सामने मन की बात कार्यक्रम में अपने किसानों से आय दुगनी होने की बात कही थी। लेकिन वाजपेयी ने अपने शो में इसकी पड़ताल का दावा किया था कि महिला की आय दुगनी होने की बात सही नहीं है। इस रिपोर्ट की कई बीजेपी नेताओं ने आलोचना की और इसे गलत बताया। फाउंडेशन ने कहा कि तीन पत्रकारों की एकमात्र गलती उन सूचनाओं का प्रसार करना था जो सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के दावों को गंभीर जांच करते हैं। मास्टर स्ट्रोक में वाजपेयी की रिपोर्ट की प्रशंसा करते हुए फाउंडेशन ने कहा कि कार्यक्रम वॉचडॉग पत्रकारिता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण था। साथ ही कहा गया कि प्राइम टाइम के दौरान उनके प्रसारण में व्यवधान पैदा किया गया। फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल्स के अध्यक्ष जो कि परंजॉय गोहा ठाकुर था और निदेशक मनोज मेठा हैं इस फाउंडेशन के, और इस संस्था का साथ अब पुण्य परसुन वाजपेयी को मिला है और सरकार से जवाब मांगा है। वो मामला कैसा था, क्या नहीं था, आखिर उस मामले की तह तक जाना जरूरी है कि इस मामले में आखिर अगर कोई न्यूज चैनल, अगर कोई पत्रकार सच्चाई दिखाता है तो आखिर उसमें गलत क्या है। आपको ये बताइए कि क्या गलत अगर वो है तो क्या ये होना चाहिए, अगर उन्होंने सही रिपोर्ट दिखाई है तो क्या ये होना चाहिए। दोनों ही बातें कि आप देखिए कि आखिर अगर एक पत्रकार अगर सच्चाई दिखाता है और वो सरकार के कामों का सही लेखा जोखा, सही आंकड़ा अगर जनता के सामने पेश करता है तो क्या उसकी सज़ा, उसे ये मिलती है कि उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ जाता है और इस काम में वो संस्थान भी उसकी कोई मदद नहीं करता जिस संस्थान में वो काम करते हैं, उस पर दबाव बनाया जाता है और उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। क्या आप ऐसी संस्था में काम करना चाहेंगे जहां सच्चाई की कीमत ऐसे चुकानी पड़े? क्या आप ऐसी संस्था में काम करना चाहेंगे जहां पर अपना ज़मीर गवारा ना करें? क्या आप ऐसी संस्था में काम करना चाहेंगे जो ना चाहते हुए भी आपको वो करना पड़े जो आप ना चाहते हों? आप बताइए, आप सीना ठोक के ऐसी संस्था में काम करना चाहते हो जहां पर भले ही कमाई तो कम हो लेकिन आप अपनी मेहनत करें, आप अपने ज़मीर के साथ काम करें, आप वो दिखाएं जो कि असल सच्चाई है, आप अपने ज़मीर से समझौता ना करें। जी हाँ, ऐसे भी कुछ पत्रकार हैं जो अपनी जान पर खेलकर हर रिपोर्ट दिखाते हैं ताकि केवल और केवल इसलिए कि आखिर जनता के सामने सच्चाई जो कि असल सच्चाई है वो सामने आ सके। और फिर उन पत्रकारों का क्या हश्र होता है ये तो आपने देख ही लिया होगा कि आखिर, और अब इंतज़ार इस बात का है कि क्या ये लगातार ऐसे ही जारी रहेगा। 2019 के चुनाव आने वाले हैं, उससे पहले सरकार के अगर कोई पोल खोलता है तो क्या पत्रकारों के साथ ऐसा होगा? आगे आगे अगर कोई और पत्रकार, अब एक बात इससे साफ है, जो और न्यूज़ एंकर हैं, जो और बड़े बड़े चैनलों में न्यूज़ एंकर बैठे हैं, क्या वो अब अपनी हिम्मत कर सकेंगे? क्या इस कदम के बाद, पुण्य परसुन वाजपेयी को हटाने के बाद, क्या जो और पत्रकार हैं क्या वो अपनी हिम्मत दिखा सकेंगे सरकार के खिलाफ, या फिर ऐसी खबर अब सच्चाई दिखाने से सब डरेंगे या फिर पीछे हटेंगे? क्या हो सकता है, क्योंकि सरकार एक बहुत बड़ी है और टीवी चैनल एक छोटा सा है और अगर आपको चलाना है तो ये करना ही पड़ेगा। जी हाँ, देखने वाली बात होगी कि आखिर आगे क्या होता है, या आगे ऐसा होता है कि आखिर सभी न्यूज़ चैनल जो कि वही दिखाएंगे जो कि सरकार देखना चाहती है, या फिर आगे आगे न्यूज़ चैनल अगर कुछ ऐसा दिखाने लगे जो कि सरकार नहीं देखना चाहती और उन पत्रकारों को फिर वहाँ से रास्ता उनका साफ कर दिया जाए, क्या होगा देखने वाली बात होगी। 2019 का लोकसभा चुनाव नज़दीक है और उससे पहले अब ये मीडिया चैनल्स अपना किस ओर रुख करते हैं और सरकार का क्या रुख रहता है देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये मीडिया अगर सच्चाई दिखाती है तो इसकी कीमत किस तरह चुकानी पड़ती है, और अगर मीडिया वो दिखाती है जो सरकार चाहती है तो फिर उसमें उसका लाभ कितना होता है ये भी आपको देखने को मिलता है। कुछ न्यूज़ चैनलों में आप देखते होंगे और कुछ न्यूज़ चैनलों में आप ये भी देखते होंगे, जब सच्चाई आपके सामने पेश की जाती है, जनता के सामने परोसी जाती है, तो उस पत्रकार को
कहाँ अलग धड़क कर दिया जाता है, ये भी आपने देखा होगा। तो अब इंतज़ार कीजिए लोकसभा चुनाव का, सरकार के अगले कदम का, या फिर शायद अगर मैं ये कहूँ कि आप आने वाला एंकर कौन सा होगा, कौन सा न्यूज़ चैनल होगा जिसे उसको निकाला जाएगा, तो इस पर अभी संशय बरकरार है। आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।